मिल हैं, सब बेनकाब होंगे रोहित। बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हम आपको लेकर चल रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां लगातार पिछले कई दिन से पूछताछ का दौर चल रहा है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस समय लाइव वहां से आ गए हैं। अरविंद ओझा, इस रहस्यमय मौत की शुरुआत में बहस इस बात पर हुई कि नेपोटिज्म जिम्मेदार है, उसके बाद यह कहा गया कि नहीं साहब, डिप्रेशन जिम्मेदार है, उसके बाद यह कहा गया कि आपसी संबंधों में तनाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई हो सकती हैं जिनकी वजह से यह हो गया हो। अब चीजें ड्रग्स के कार्टेल की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर यह मामला जा किधर रहा है? जी देखिए, मैं रोहित सबसे पहले आपको सवालों के जवाब दूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बता दे रहा हूं। रिया चक्रवर्ती को आज शाम 5 बजे तक समन करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। यह हमें एक्सक्लूसिव जानकारी, आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, और कल यह बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। तो रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, ये सुशांत के शोभित चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई है। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ये सुशांत के स्टाफ है। इन तीनों ने, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कई ऐसे बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तैयारी कर ली है कि अब वो वक्त आ चुका है कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आना पड़ेगा और उनको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि शोभित चक्रवर्ती ने जिस तरह से आज तक ने व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा किया था, 15 मार्च 2020 का वो व्हाट्सएप चैट था जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ही कह रही हैं कि वो ड्रग्स अरेंज करे, वो बड अरेंज करे। रिया चक्रवर्ती ये भी उसमें कहती हुई दिखाई दी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है, और ये कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं, ड्रग्स वाली सिगरेट थी। तो सीधे सीधे भाई बहन के बीच ड्रग्स की व्हाट्सएप चैट हो रही थी। उसके अलावा कई एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती से आप कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर सकती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी एनसीबी के टॉप ऑफिशियल ने बताई है। आज शाम 5 बजे तक एनसीबी की टीम समन भेज सकती है। रही बात डीआरडीओ ऑफिस की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये डीआरडीओ ऑफिस पिछले एक पखवारे से मीडिया की सुर्खियों में है। यहाँ पर हमारी सहयोगी भी है, हम उनसे सीधे बात करते हैं। अभी जो यहाँ पर मौजूद थी, कौन कौन लोग यहाँ पर आया और किस तरह से पूछताछ इस वक्त देखिए, सुबह सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पे पहुंचे हैं, साथ ही में नुपुर जो की सीबीआई ऑफिसर है वो खुद आई है, और साथ ही में यहाँ पर स्मिता पारिक भी आई है ऐसा कहा जा रहा है, जो दिखी है, जो सब अभी फिलहाल एक और गाड़ी आई है, और इसमें कौन है वो देखना पड़ेगा। सुनाई सी आप देखिए, एक गाड़ी और यहाँ पर रोहित, जो हालांकि मैं आपको बताऊँ स्मिता पारिक कौन है, कौन है वो स्मिता पारिक, उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल। स्मिता पारिक के बारे में हम कहें तो वो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त है, और उनको आज समन भेजा गया था, तो आज शायद वो भी डीआरडीओ ऑफिस पहुंची है। साथ ही में सिद्धार्थ पिठानी भी यहां पर आए हैं, तो आज कई सारी पूछताछ होने वाली है, और कहीं ना कहीं आज मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को सामने आमने सामने बिठाया जाएगा, क्योंकि उस दिन 14 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने जिनका देहांत हुआ था, उस दिन क्या देखा सिद्धार्थ पिठानी ने और क्या देखा मीतू सिंह ने, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने हमारे आज तक में इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्हें फोन, जब उन्होंने कॉल किया मीतू सिंह को, तो उन्होंने कहा था कि अगर बॉडी है तो आप नीचे उतारिए, ऐसा सिद्धार्थ पिठानी का कहना, लेकिन इस बारे में मीतू सिंह का कुछ भी कहना नहीं है। उनका ये कहना है कि मैंने बॉडी बेड पर देखी, तो किस स्थिति में देखी, किस डायरेक्शन में देखी, आज उनको आमने सामने बिठा के भी ये बातचीत होगी रोहित। तो ये तमाम वो पहलू है, और खासकर सिद्धार्थ पिठानी की बात की जाए रोहित, तो एक के बाद एक सिद्धार्थ पिठानी सबसे ज्यादा जो सीबीआई है उसके रडार पर है, और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे केस में जो क्राइम सीन है, आपको बताऊं, मौकाए वारदात, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर देखें तो आज भी सीबीआई की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची थी और तफ्तीश की थी। ये आपको बता दूं, वो चार नाम सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, जिसमें दीपेश सावंत है, ये वो तमाम लोग हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। एक सीबीआई की एक गाड़ी और आती हुई रोहित यहाँ पर दिखाई दी है, हम यहाँ पर चलते हैं सीधे, यहाँ देखते हैं कि कौन वो लोग हैं। ये देखिए सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, और बाकायदा इसमें कुछ अफसर भी बैठे हुए हैं, और किसी शख्स को लाया गया है। ये ऐसा लगता है कि जो टीम आपको बताऊं पहुंची हुई थी सुशांत के घर पर, बहुत मुमकिन है कि वो टीम है, ये सीबीआई के ऑफिशियल हैं, और ये गाड़ी डीआरडीओ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरी गाड़ी आपको दिखाऊं, ये दूसरी गाड़ी है जो अंदर जा रही है, इसमें
अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है, तो ये तमाम सीबीआई के ऑफिसियल हैं जो अंदर जा रहे हैं, जिसमें महिला अफसर भी शामिल है। डीआरडीओ ऑफिस के बाहर ये हलचल बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर बात की जाए, जैसा मैं आपको बता रहा था रोहित, कि चार वो लोग जिन पर सीबीआई की सबसे ज्यादा नजर है वो है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत। दीपेश सावंत अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है फिलहाल, अगर कस्टडी कहें, और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। चलिए वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास। अरविंद ओझा एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को आज शाम 5 बजे तक नारकोटिक्स ब्यूरो का समन जा सकता है। कल रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ के लिए बुला सकती है। शौविक और मिरांडा दोनों के लिए इस वक्त अदालत में सुनवाई चल रही है, जहां 7 दिन की रिमांड एनसीबी ने अदालत से उनकी मांग ली है। आशुतोष वहां किला कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहां से अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष बताइए, क्या जानकारी आपके पास आ रही है वहां से? रोहित, 20 मिनट तक जो एनसीबी के वकील हैं उन्होंने अपनी जिरह की थी, सारे तथ्य सारे सबूत सामने रखे हैं मजिस्ट्रेट के, और 7 दिन की रिमांड मांगी है। पहली सुनवाई जो हुई वो सतीश मान शिंदे की ओर से हुई है। सतीश मान शिंदे ने लगभग 50 मिनट जिरह की है। उन्होंने रिमांड का विरोध किया, हर एक सेक्शन पर दलीलें देते हुए कहा कि इसमें जरूरत नहीं है शौविक चक्रवर्ती के रिमांड की। जैसे ही उनका टर्म पूरा हुआ है, एडवोकेट देसाई जो सैमुअल मिरिंडा की ओर से पेश हुए हैं, इस समय उनकी दलीलें चल रही हैं। कैजान की ओर से भी वकील यहां पर शामिल है। कैजान के लिए जैसा हमने पहले जानकारी दी है कि एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगे, रिमांड सिर्फ सैमुअल की मांगी है, शौविक चक्रवर्ती की मांगी है। और दूसरी जो सबसे अहम जानकारी इस समय जो आई है, जो अरविंद ओझा दे रहे हैं, कि आज शाम तक एनसीबी सम्मन भेजेगी रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने के लिए, ताकि सुनवाई हो सके। पूरी संभावना है कि अगर शौविक चक्रवर्ती सैमुअल की रिमांड मिलती है तो आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ होगी। दो गिरफ्तार पहले से हैं, दो और गिरफ्तार हैं रिमांड मिलने पर, इनके बीच तो कड़ियां जोड़ी जाएंगी। रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स कार्टेल पर ड्रग्स के मामले को लेकर के साफ साफ कहा था ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन व्हाट्सएप चैट ने उन दावों की पोल खोल दी है, तो अब आमने सामने पूछताछ भी जरूरी होगी। और वो इसलिए जरूरी होगी रोहित, क्योंकि जैसे शौविक चक्रवर्ती तक पहुंची है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल वैसा ही केस फिर बन सकता है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जो कानून से अब तक दूर भाग रही थी, कानून अब उन तक अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद ओझा, ये सवाल तो आएगा ना कि अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, ये मान भी लिया जाता है कि वो ड्रग्स के कारोबार में किसी ना किसी किस्म की हिस्सेदारी रखते थे, ड्रग्स खरीदते थे या ड्रग्स बेचते थे, उसको आगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक ले जाना, उससे जोड़ना, और परिस्थितिजन्य जो चीजें सामने आई उसके लिए सबूत सामने रखना, वो आसान होगा कि नहीं?